क्वेश्चन 10 फाइंड रैंक इंडेक्स एंड सिग्नेचर ऑफ सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आपने एक और टर्म ऐड कर लेनी है, -2x1y3। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने कैसे बनाना है, पहले तो हमें a x a का 3x3 का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x1 y1 का कोफिशियंट क्या है 2, x1 y2 का कोफिशियंट x1 y2 का कोफिशियंट। ये रहा 6। देन उसके बाद x1 y3 का कोफिशियंट क्या है हमारे पास, ये रहा -2। ऐसे हमने सभी के कोफिशियंट लिख दिए, 2 6 -2 6 1 -4 -2 -4 -3। इसको कैसे लिखेंगे, पहले x2 into y1, सो x2 into y1 का कोफिशियंट ढूंढेंगे यहां से, ये रहा क्या है 6। जो x2 y1 है और y1 x2 है, उसका कोफिशियंट हमेशा सेम होगा, क्योंकि x1 y1 is y1 x1। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने लर्न करनी है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या करते थे, डायगोनल को छोड़कर 2 के साथ डिवाइड कर देते थे, बट इस क्वेश्चन में हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ये देखो x1 y1 x2 x3 y1 y2 y3, बट ऊपर क्या था, xyz सेम था, इसलिए हमने 2 के साथ डिवाइड कर लेते थे। तो ये स्टेप भी आपने हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट है तो 2 के साथ डिवाइड नहीं करना है। देन उसके बाद हमारा ए मैट्रिक्स बन गया, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन यूज की थी, वैसे हमने ये यहां पे यूज करना है, a is equal to i a i। यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दिया i a i। देन फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने रो ऑपरेशन लगाने हैं, यहाँ पे 0 0 बनाना है। सो r2 पे ऑपरेशन लगा दिया, r2 -3 r1। सिमिलरली r3 पे ऑपरेशन लगा दिया, r3 + r1। सो यहाँ पे 0 0 आ गया, सिमिलरली यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन लगाना है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे 0 0 बना देंगे, c2 - 3 c1 c3 + c1। सो ये मैट्रिक्स एज इट इज, यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगा दिया, फर्स्ट होता है हमारा रो के लिए, सेकंड इज कॉलम के लिए। जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो रो ऑपरेशन, रो मैट्रिक्स सेम रहेगा, जब हम रो पे ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स सेम रहेगा। देन उसके बाद R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, 17 R3 + 2 R2। सो यहाँ पे बन गया 0, सिमिलर यहाँ पे क्या आ गया 2 17। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सिमिलरली C3 पे ऑपरेशन लगा दिया, 17 C3 + 2 C2। सो यहाँ पे बन गया हमारा 0, और यहाँ पे चेंज हो गया हमारा 11 to 17। सो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन गया 10, P transpose AP is equal to diagonal of 2 - 17 - 81, where P is equal to 1 - 3 11 0 1 2 0 0 17। यहां तक जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है, बस अब चेंज किस में आया है, यहां पे हमने इंडेक्स रैंक और सिग्नेचर फाइंड करना है, वेयर पी क्या है हमारा, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज इन डायगोनल रिप्रेजेंटेशन। तो पॉजिटिव एंट्री कौन सी है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। नेगेटिव एंट्रीज कितनी है हमारे पास, 1 2, सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। इंडेक्स ऑफ ए पी की वैल्यू कितनी आ गई 1। रैंक ऑफ ए क्या होगा, p + n, दैट मीन्स 1 + 2 is 3। सिग्नेचर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, p - n, p - n मतलब 1 - 2 is - 1। सो ये हमारा क्या बन गया, इंडेक्स रैंक सिग्नेचर ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ ए इक्वल टू 1, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, सिग्नेचर ऑफ ए इज इक्वल टू -1। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स।
थैंक यू।